बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के ड्राइवर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। ड्राइवर के संक्रमित पाए जाने के बाद सारा अली खान ने परिवार समेत कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सारा ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। सारा अली खान अपनी माँ अमृता सिंह और भाई इब्राहिम अली खान के साथ रहती है। सारा अली खान ने कहा कि उनके परिवार और घर में काम करने वाले लोग भी सावधानी बरत रहे हैं। सारा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे ड्राइवर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बीएमसी को इसकी तुरंत जानकारी दे दी गई है। उन्हें कोविड सेंटर में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। सारा ने आगे कहा, जांच में मेरा परिवार, घर में मौजूद सभी अन्य घरेलू सहायकों के संक्रमित नहीं होने की पुष्टि हुई है और हम सभी जरूरी एहतियात बरतेंगे। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मदद एवं मार्गदर्शन के लिए बीएमसी का शुक्रिया। सभी सुरक्षित रहें। सारा और इब्राहिम को हाल ही में अपने पिता और एक्टर सैफ अली खान के घर पर भी देखा गया था। सारा के फिल्मों की बात करें तो उन्होंने साल 2018 में केदारनाथ फिल्म से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने रोहित शेट्टी निर्देशित और रणवीर सिंह स्टार सिम्बा में काम किया और इसी साल वो लव आजकल 2 में भी नजर आई। सारा फिलहाल अपनी अगली फिल्म कुली नंबर 1 की रिलीज का इंतजार कर रही है। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। इसमें सारा के साथ वरुण धवन नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन वरुण धवन के पिता डेविड धवन ने किया है। डेविड ने ही गोविंदा की कुली नंबर 1 का भी निर्देशन किया था। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।